हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथ बाल नीला भगत आप सभी भक्त जनों का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और यह एक महीने तक चलने वाली मास पारायण तप साधना जो हम कर रहे हैं, यह परम पावनी गंगा राम कथा रामचरित मानस में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबसे फिर से प्रार्थना करता हूं, आज 20वें दिन की कथा का सत्संग पारायण हम करेंगे। आइए भाव से प्रेम से हम सब राम भगवान के चरण में तुलसीदास जी ने जो लिखी हुई चौपाई है उसका एक बार सिर्फ गायन कर लें। इनका जो अर्थ है वो भगवान को प्रार्थना करें कि ये अर्थ सिद्ध साबित हो और सभी जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, सब ये कोविड कोरोना से अच्छे से डटकर मुकाबला कर सके। हमारी पृथ्वी माता धरती माता है वह इस संकट की घड़ी में से आराम से बाहर आ जाए, इसके लिए एक बार हमारी जो केंद्र की चौपाई है केंद्रस्थ चौपाई उसका हम पाठ करेंगे और फिर इस कथा गंगा को आगे बढ़ाएंगे। देहि कदेवी कभौति कतापा राम राज नाहि काहू हि व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं राम राज्य जो है उसमें आधी देही आधी देवी आधी भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के ताप कभी व्याप्ते नहीं है। तो आइए भगवान के चरणों में हम सब भी प्रार्थना करें कि हमको भी जीव मात्र को आधी देवी आधी भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों प्रकार के ताप कभी व्याप्त ना हो। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करने के बाद आइए अब जो परम पावनी गंगा है राम कथा रामचरित मानस इस कथा गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ाए, इसमें हम स्नान करके शुद्ध हो जाए। कल तक की कथा में हमने देखा था कि भारद्वाज मुनि ने बहुत आदर पूर्वक भरत जी का सत्कार किया था, वहां पे सब रुके हुए थे। अब रात को प्रजा को नींद नहीं आई थी, भरत जी भी व्याकुल चिंतित थे कि भगवान राम वन में कंदमूल फल खा के रह रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, और हम हमको भरद्वाज मुनि ने ऐसी सुंदर सुविधा दी है, पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठे स्नान किया, स्नान करने के पश्चात भारद्वाज मुनि को नमन वंदन करके आज्ञा ली कि अब मेरा जो हृदय है मन है वो चित्रकूट में जा पहुंचा है, जल्दी से हम वहां पहुंचे। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया और कहा कि भरत जी तुम तो साक्षात धर्म हो, धर्म के समान हो तुम, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही धर्म है और हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, हमारा धर्म जो है धर्म की व्याख्या क्या है, आचरण। धर्म हमें आचरण सिखाता है और धर्म से ही हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा कहे कि मैं धर्म को मानता नहीं धार्मिक नहीं हूं और अध्यात्म में मैं आगे बढ़ाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है या पहला जो स्टेप है वो धर्म है। और अभी तक तो मुझे ऐसा पता चला है हर एक धर्म में अच्छी अच्छी बातें होती ही है, पर सब की सब सारी शुद्ध बातें जो कही की गई हो वो अपने एक सनातन धर्म है उसमें सारी ऐसी बातें हैं, और दूसरा जैन धर्म में उसमें भी करीबन करीबन सारी बातें बहुत श्रेष्ठ है वैसा है। तो भरत जी स्नान करके निषाद राज के साथ और भारद्वाज मुनि भी कुछ पथ प्रदर्शक भेजते हैं साथ में, वो लोग धीरे धीरे चित्रकूट के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होता ऐसा है कि भरत जी निषाद राज उनके साथ जो भी उनकी छोटी बड़ी निषाद राज की सेना थी और अयोध्या वासी सब थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। उसी समय क्या होता है कि यहाँ पे चित्रकूट में माँ सीता है उनको स्वप्न आता है, माँ सीता को स्वप्न आता है और अपशुकन जैसा स्वप्न होता है। तो आधी रात को माँ सीता जाग जाती है, वो स्वप्न के बारे में राम भगवान को बात कहती है। तब भगवान राम जो है वो आधी रात को ही सीता माता और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि चलिए हम स्नान करने के लिए जाते हैं और बैठ के बातें करते हैं। स्नान करने के लिए जाते हैं, फिर इतिहास पुराणों की कथा बात करते हैं। अब भगवान राम खुद तो नरलीला कर रहे हैं, उनको सारी जो चीजें हैं क्या होने वाला है सब पता है वैसा है, फिर भी भगवान की यह ललित नरलीला थी। तो इसके चलते राम भगवान लक्ष्मण सीता जी स्नान करके आते हैं चित्रकूट में बैठते हैं। माफ कीजिएगा। अब सुबह होते
कोल और कीरा द्वारा ऐसा आदेश मिलता है कि भरत जी जो है वो अपनी सेना लेके यहाँ पे चित्रकूट को पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच ही रहे हैं। अब यह समाचार सुन के भगवान राम जो है वो थोड़े हृदय से खुश है पर व्याकुल होते हैं। सीता माता को भी चिंता होती है कि यह बता रहे हैं कि सेना के साथ आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तब लक्ष्मण जी है वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। राम भगवान को कहने लगते हैं कि उनकी माँ के कुटिल वचन से 14 साल का वनवास आपको मिला, अपने इतने राज्य से उनको संतोष नहीं था क्या कि वो सारी सेना लेके आ गया है आपको युद्ध करने के लिए। निश्चित ही अगर भरत की ऐसी चाल रही तो मैं आपकी सौगंध खाता हूँ राम भगवान कि मैं जाके लड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसे धनुष बाण लेके तैयार और खड़े हो जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है और वो कहती है कि लक्ष्मण आप जरा शांति से देखिए, सुनिए, सोचिए कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये आकाशवाणी सुन के राम भगवान भी थोड़े हंसते हैं और राम भगवान जो है वो लक्ष्मण को समझाते हैं और कहते हैं भरत की महिमा कि लक्ष्मण तू इतना क्रोधित मत हो, तेरा मेरे प्रति प्यार है, प्रेम है, इसीलिए तू इतना क्रोधित हो रहा है। पर तू समझ भरत जो आ रहे हैं वो हमसे मिलने भी आ सकते हैं और तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ वो युद्ध करने के लिए आ रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शांति से बैठो वत्स और पहले उनको आने दो, बात करने दो। भगवान राम लक्ष्मण जी को ऐसा कहते हैं। तब लक्ष्मण जी थोड़े शांत होते हैं। अब यहाँ पे भरत जी जो है निषाद राज उनको चित्रकूट पर्वत दिखाते हैं कि ये देखो ये चित्रकूट पर्वत आ गया। यह देख के भरत जी अपनी जो सुध बुध है वो भूल जाते हैं, ऐसा है, उनकी आंखों में से अश्रु जल निकलते हैं और वो तुरंत दौड़ते हैं। तब निषाद राज उनके साथ साथ जाते हैं। तब निषाद राज उनको बड़ा वृक्ष दिखाते हैं, चित्रकूट का पर्वत दिखाते हैं। यह पर्वत देख के भरत जी जो है वहां पे ही साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, साक्षात दंडवत वंदन करते हैं। यह वंदन देख के निषाद राज के आंखों में से भी आंसू निकल आते हैं। अब यहां तक जो है तुलसीदास जी ने यहां तक की कथा की और यहां अपनी जो 20वें दिन की कथा है यहां पे ही इस कथा का विश्राम है। पूरे रामचरितमानस में आप सारे विश्राम देखोगे तो 20वें दिन की जो कथा है बहुत ही छोटी है। अब करीबन करीबन भरत जी का और राम भगवान का मिलन होने वाला है। वो 21वीं दिन की जब कथा हम शुरू करेंगे तब राम भगवान और भरत जी के मिलन की कथा होगी। आइए भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन की जो कथा की, आज के दिन की कथा का पुण्य फल जो है वो पुण्य फल हर जीव मात्र को प्राप्त हो, हर जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। भगवान आपके चरणों में हम वंदन करके दंडवत प्रणाम करके ऐसा ही मांगते हैं। आइए सब सांस भर लीजिए अच्छे से अपनी, ठीक है, यह एक बड़ी उत्तम परीक्षा है। शंकर भगवान महादेव का जय जयकारा लगा के आज की कथा को विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।